महोदय, क्योंकि सदन में तमाम परिभाषाएं पहले से ही स्थापित की जा चुकी हैं, तो हम इन पे समय न जाया करते हुए विषय के पक्ष की ओर चलते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि जो हमारा विषय है, इसके दो परिपेक्ष हैं। पहला, जो पहले से ही पेशे में है, जो पेशेवर है या जो किसी व्यवसाय से पहले से जुड़े हुए हैं, जब वे राजनीति में आते हैं तो कैसे लोकतंत्र का प्रतिकूल होता है, और दूसरा, जब हम राजनीति का ही व्यवसायीकरण करने लगते हैं। शुरुआत करते हैं, जब पेशेवर राजनीति में आते हैं तो कैसे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रतिकूल है। सबसे पहली इसमें जो दिक्कत आती है वो है फेस पॉलिटिक्स की, यानी कि वो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग जो कि समाज में या लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अभिनेता हो सकते हैं या किसी खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हो सकते हैं, जब ये राजनीति में आते हैं तो एक फेस पॉलिटिक्स की यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यानी कि राजनेता या राजनीतिक दल इनका इस्तेमाल करके कैसे वोट बैंक अपने नाम करते हैं, क्योंकि ये लोग जनता के समक्ष बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं और जनता इन्हें बहुत ज़्यादा मानती है, इनका कहा हुआ बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो जब ऐसे में ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता इनको अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए अपने आप ही तैयार हो जाती है। अब ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनीतिक दल से एक ऐसी हस्ती जुड़ गई जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चर्चित है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी, वो राजनीतिक दल समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा, लोगों के हित का ध्यान नहीं रख रहा है, तो ऐसे में जब वो इलेक्ट हो जाएंगे या जब वो प्रतिनिधि चुने जाएंगे जनता द्वारा, तो यह समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानि कर सकता है, यह जनता का हनन कर सकता है, और जनता का हनन क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है और यहाँ जनता का ही हनन हो रहा है, तो ये इनडायरेक्टली लोकतंत्र का हनन हो जाता है, लोकतंत्र के प्रतिकूल बन जाते हैं। इसके अलावा जो व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसीज देंगे वो कैपिटलिस्ट सेंट्रिक होंगी, यानी कि वो क्योंकि उनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो अपना प्रॉफिट करवाना होता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, ऐसे में उनके द्वारा दी गई पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सेंट्रिक होंगी, उनके खुद के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के वो ज़्यादा पॉलिसीज देंगे, ना कि जनता के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा मान लीजिए कोई व्यवसायी है, कोई बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं जब वो पॉलिटिकल पार्टी कोई डिसीजन लेगी या उसे कोई टेंडर आदि देने होंगे तो वो उस व्यवसायी को देगी, उस बिजनेसमैन को देगी जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंड देगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि एक हाईवे कंस्ट्रक्ट होना है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक ऐसी कंपनी को दे दिया जिसने ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिए थे। अब ऐसे में अगर वो कंपनी अच्छी नहीं है, वो बेस्ट कंपनी नहीं है, लेकिन केवल कैपिटल के आधार पर उसे वो प्रोजेक्ट दे दिया गया, तो ये जनता के लिए बहुत गलत होगा। ऐसे में उसका खुद का फायदा तो हो जाएगा लेकिन जनता का यहाँ पे कहीं से भी कहीं तक फायदा नहीं होगा। अब हम चलते हैं विषय के दूसरे पहलू की ओर, कि जब हम राजनीति का ही व्यवसायीकरण कर देते हैं, यानी कि अब जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनका जो अल्टीमेट गोल है वो जनता का भला न करके केवल आपस में कंपटीशन करने लगते हैं या उनमें केवल आगे निकलने की होड़ रह जाती है, जो कहीं ना कहीं नैतिकता का हनन करता है। ऐसे में जब भी किसी चीज़ का व्यवसायीकरण होता है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं राजनीति का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो ऐसे में जो वो चीज़ है वो लिमिटेड रह जाती है, यानी कि पॉलिटिक्स के व्यवसायीकरण से, राजनीति के व्यवसायीकरण से अब जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो केवल इस बात से कंपटीशन करेंगे कि उन्हें आगे रहना है या उन्हें पावर में रहना है। जनसेवा या जनता की भलाई के लिए कार्य करना, जनता के फेवर में डिसीजन लेना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। तो इस तरीके से राजनीति में पेशेवरों का आना या व्यवसायीकरण करना राजनीति का, दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है, लोकतंत्र का हनन है, और इसीलिए दोनों लोकतंत्र के प्रतिकूल है। धन्यवाद।